वेलकम, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर मनीषोमेट्री यूट्यूब चैनल पर और ट्रिपल एम लाइव एप्लीकेशन पर। जितने बच्चे हमसे पढ़ रहे हैं इस समय ऑनलाइन, उन सब के लिए एक बहुत अच्छी क्लास हम लेके आए हैं ज्योमेट्री की। और ज्योमेट्री के क्वेश्चन जितने भी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे वो सब आपको अच्छे से तैयार कर लेने हैं, है ना। और मैं कोशिश करूँगा आपको वही क्वेश्चन कराए जाएँ जो आपके एग्जाम में पूछे जाएँ, है ना। ज़्यादा बहुत लंबे लंबे सवाल नहीं करवाना है, मुझे वो क्वेश्चन लेने हैं जो आपके यूपीएसआई में खासकर पूछे जाएं, या स्टेट लेवल लेखपाल का जब पेपर आएगा, या आपका कोई स्टेट लेवल का एग्जाम होगा जिसमें एडवांस में ज्योमेट्री के सवाल ज़्यादा पूछा जाता है, चाहे वो सीटेट का पेपर हो चाहे वो टेट का पेपर हो। मतलब जो एक नॉर्मल क्वेश्चंस, जो बेसिक क्वेश्चंस आते हैं ज्योमेट्री के, वो क्वेश्चंस आपको मैं कराता रहूँगा। और आपका काम है इसको शेयर करते रहो, है ना। ज़्यादा लंबे लंबे सवाल नहीं, बहुत बड़े बड़े सवाल नहीं, है ना। आपके लिए वो क्वेश्चंस जो आपके स्टेट लेवल में आते हैं, मैंने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन किया है आप सभी के लिए। तो आप सभी लोग जो है एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इसको पढ़िए। क्या कह रहा है? त्रिभुज एबीसी में किसी बिंदु पी से तीनों भुजाओं पर डाले गए लंब क्रमशः इतने इतने हैं, तो त्रिभुज का एरिया कितना होगा। अब देखो, ऐसा क्वेश्चन अगर कभी आता है तो मैं आपको ये चीज़ बता दूँ, इसका पूरा आपको क्या थ्योरम होती है पूरा समझा दे रहे हैं। जैसे मान लो कोई त्रिभुज है, ये क्या कह रहा है वो ध्यान समझना। मैं क्वेश्चन को पहले उसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा, उसके बाद क्वेश्चन को कैसे एग्जाम में लगाना है मैं आपको सिखा दूंगा। अब थोड़ा सा आप पेशेंस रखिएगा, बस आप समझने की कोशिश करिए। अगर ये थ्योरम है, अगर कोई भी त्रिभुज है, अगर किसी भी पॉइंट से तीनों भुजाओं पर अगर हम लंब डालते हैं, कोई पॉइंट है इस पर तीनों भुजाओं पर अगर हम लंब डालते हैं, तीनों भुजाओं पर अगर हम क्या डालते हैं, लंब डालते हैं, ठीक। और तीनों जो लंब डाले गए हैं, अगर इनकी लेंथ है, एक तो लेंथ इसकी ए हो गई मान लो, इसकी बी है, इसकी क्या है, सी है। अगर तीनों लेंथ हमको पता है तो देखो कि कैसे इसको आगे हम प्रूफ कर लेते हैं। अब ये बताओ, अगर हम इसको यहाँ ऐसे मिला दें, इसको यहाँ मिला दें और इसको यहाँ मिला दें, ठीक। ऐसा मिलाने के बाद ये हम साइड मान लो BC है, तो ये बताओ इस ट्रायंगल का जो एरिया होगा, किसका एरिया, कोई भी ट्रायंगल का बेटा जो एरिया होता है वो एरिया परपेंडिकुलर मतलब लंब और बेस पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? परपेंडिकुलर और बेस पर डिपेंड करता है। तो ये परपेंडिकुलर है, है ना, और ये मान लो h है, और बेस अगर a है, सपोज डैट, आपको सिखाने के लिए मैं बताना चाह रहा हूँ, तो एरिया होता है 1/2 इंटू ए इंटू एच। ये जो ज्योमेट्रिक क्लास है ये SSC CGL मेंस लाइक नहीं है ना, बहुत हाई लेवल एग्जाम की है, बस ये आपके सभी के लिए है, UPSI के लिए है, टेट सीटेट के लिए है और स्टेट लेवल एग्जाम्स के लिए है, तो उन बच्चों के लिए है। और ये अगर आप SSC की तैयारी करते हैं या मेरे मुझसे पहले ज्योमेट्री पढ़ रखे हैं तो आप ये वीडियोज उन लोगों को शेयर कर दीजिए जो स्टेट लेवल की तैयारी कर रहे हैं, टेट सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, उन सब तक ये पहुंचा सकते हैं आप। अब देखो ये एरिया हो गया, क्लियर है। अब समझो, तो यहां पर अगर हम बात करें इस ट्रायंगल का एरिया, तो 1/2 इंटू, अब भुजा क्या है, त्रिभुज कैसा है, अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, है ना। तो ये जो त्रिभुज होता है, एक्चुअली में ऐसा अगर सवाल आता है तो त्रिभुज जो है समबाहु त्रिभुज होता है, क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। तीनों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, अगर पॉइंट से परपेंडिकुलर दिए गए हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन कभी आपके सामने आता है तो आप, ये त्रिभुज कैसा होता है, समबाहु त्रिभुज होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, समबाहु त्रिभुज होता है, पहली बात, ठीक। अब देखो तो सभी क्या हो गई, ए साइड हो गई, तो 1/2 ए इंटू, अब ए ले लोगे तो फिर एक्स लेना पड़ेगा, इसको एक्स ले लो, इसको वाई ले लो, इसको जेड ले लो। अगर इसको बात करें तो इसको जो है एक्स ले लो, इसको वाई और इसको जेड ले लो, क्लियर है। अब देखो, है ना, तो ए इंटू कितना हो जाएगा, इसको हमने क्या लिया है, वाई, तो ए वाई हो जाएगा, क्लियर। प्लस 1/2 इंटू, इसको ले रहे हैं तो a इंटू एक्स हो जाएगा, और प्लस 1/2 इंटू ए इंटू जेड हो जाएगा, बराबर पूरा त्रिभुज का एरिया हो जाएगा। अगर इसमें 1/2 a हम कॉमन ले लें भैया, तो बचेगा
एक्स प्लस वाई प्लस जेड बचेगा बचेगा। बराबर अगर बात करें तो बराबर क्या आएगा, डेल्टा आएगा। अब देखो वन बाई टू ए अगर हम बात करें तो अगर डेल्टा, डेल्टा क्या है, समबाहु त्रिभुज है। अब देखो मेरी बात समझो, तीन तरह के त्रिभुज होते हैं, बहुत ध्यान समझना। अगर हम बात करें अगर इक्विलेटरल है, तीनों भुजाएं बराबर होती हैं तो उसे हम बोलते हैं इक्विलेटरल या समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज बोलते हैं किसे। अब इसका जो एरिया होता है, इसका एरिया होता है रूट थ्री बाई फोर, रूट थ्री बाई फोर और ए स्क्वायर, इसको याद कर लो अगर इक्विलेटरल की बात कर रहा है। अगर राइट एंगल की बात कर रहा है, अगर राइट एंगल की बात कर रहा है, ये 90 डिग्री है और ये अगर ए भुजा है और ये बी भुजा है, तो जो एरिया का सिंबल होता है डेल्टा होता है, तो 1/2 इंटू ए इंटू बी होता है। आई बात समझ में, बेस इंटू हाइट होता है। अगर जो है ऐसा त्रिभुज जिसमें तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं, ये ए हो, ये बी हो, ये सी हो, तब समझ लीजिए हीरोज फार्मूला अप्लाई होता है। मतलब यहां से आप पहले एस निकालते हैं, कंडीशन नंबर तीन है ये, है ना, ये कंडीशन नंबर टू है। बिल्कुल बेसिक क्लास है, सभी बच्चों के लिए बेसिक क्लास है। तो एस बराबर क्या हुआ, ए प्लस बी प्लस सी, है ना, ये एस बराबर होता है 2s, सॉरी क्या होता है 2s, पूरा परिमाप होता है। तो इसका जो एरिया होता है, हीरोन्स फॉर्मूला इसी को बोलते हैं कि s, s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी, इसी को बोलते हैं हीरोन्स फार्मूला। क्या बोलते हैं, हीरोन्स फार्मूला। और अगर जो है ये आपको दिखा नहीं होगा, मैं दोबारा लिखे दे रहा हूं, इसको लिखते हैं अंडर रूट डेल्टा बराबर s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और s माइनस सी। अगर दो भुजाएं बराबर हैं, जैसे मान लो ये है, ये a है, a है और ये b है, दो भुजाएं बराबर है, तो क्या होता है, जो भुजा बराबर नहीं होती है उसे हम बाहर लिखते हैं, मतलब b बाई फोर। जो बराबर होती है उसे अंदर, 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है, इसको भी याद कर सकते हो। तो इतने से फार्मूले होते हैं ट्रायंगल के लिए, आप सभी लोग याद कर लो। समबाहु त्रिभुज पूछेगा तो ये वाला फार्मूला है ना, स्केलन पूछेगा, स्केलन का मतलब होता है कोई भुजा बराबर नहीं है, उसको बोलते हैं स्केलन ट्रायंगल, है ना। स्केलन का फार्मूला क्या होता है, उसमें हीरोन्स लगता है, हीरोन्स के लिए यहाँ पे एस है। एस क्या होता है, तीनों भुजाओं का जोड़ बटा दो। अगर एस पूछा आपसे तो एस को सेमी पैरामीटर बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, सेमी पैरामीटर बोलते हैं। जो S होता है उसे हम सेमी पैरामीटर बोलते हैं, ठीक। तो यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत आज के बाद नहीं आएगी कि कोई भी ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो ये अगर दो भुजाएं अलग अलग हैं, एक दो भुजाएं समान हैं, तो इसको बोलते हैं क्या, आइसोसेलेस बोलते हैं, समद्विबाहु, नाम सुना होगा, समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस ट्रायंगल, है ना। और तीनों भुजाएं बराबर ना हो तो उसको स्केलन बोलते हैं, विषमबाहु, उसका एरिया का फॉर्मूला ये होता है। दो बराबर हो तो उसका एरिया का फॉर्मूला ये होता है, तीनों बराबर हो तो एरिया का फॉर्मूला ये होता है। समझ गए, अगर राइट एंगल हो तो बेस इनटू हाइट होता है, तब ये होता है, बस हो गया, है ना। अब चलो हम लोग बात करते हैं इसमें कि जो क्वेश्चन था उस पर क्या बात थी, तो समझो मेरी बात। अब जो क्वेश्चन था वो ये क्वेश्चन था, मतलब अब हमें यहाँ इसका एरिया निकालना था। तो समझ गए होगे कि रूट थ्री बाई फोर हमको ए स्क्वायर लिखना है, समझ गए। इतना बताने के लिए हमने आपको पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट सिखा दिया। अब इसमें ए क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और यहाँ से टू कैंसिल, फोर है टू हो गया। अब देखो अगर हम यहाँ से, अगर हम यहाँ से, अगर हम जो है यहाँ से बात करें कि x प्लस वाई प्लस जेड कितना होगा, तो ये आएगा तुम्हारा रूट थ्री बाई टू इंटू ए। मतलब अगर हम a की बात करें तो ये a आएगा x प्लस वाई प्लस जेड इंटू टू बाई रूट थ्री। आपके पेपर में सीधे सीधे कभी कभी पूछेगा, अगर ऐसा है तो बताइए कि उस त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी। तो आप इस फॉर्मूले को लगा देना, x प्लस वाई प्लस जेड इंटू टू बाई रूट थ्री, तो आपका आंसर आ जाएगा, है ना। इतनी चीज समझ गए। अगर हम एरिया की बात करें, यहीं पर एरिया की बात करें, तो समझो कैसे एरिया की बात करेंगे। समझो यहाँ पे
कैसे एरिया की बात करेंगे। अब एरिया क्या होता है, अगर यही इसकी बात करें तो ये आ गया तुम्हारा। तो जब एरिया की बात करोगे तो पहले क्या निकाल लो, साइड निकाल लो। साइड निकाल लोगे ये ऑटोमेटिक निकल जाएगी, वरना एरिया का फॉर्मूला भी होता है ना, रूट थ्री बाई थ्री और सम ऑफ परपेंडिकुलर का स्क्वायर। क्या होता है एरिया का फॉर्मूला, एरिया का फॉर्मूला अब इस पे आ गए ठीक। तो होता है रूट थ्री बाई थ्री है ना, अंडर रूट सम ऑफ जितने परपेंडिकुलर होते हैं उसका स्क्वायर कर देते हैं। बात समझ गए। अब आते हैं आपके क्वेश्चन पर। अब देखो इतना हमको समझा दिए पूरा, आप समझ भी गए होंगे। अब क्वेश्चन कह रहा था, मैं हर क्वेश्चन को आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि वो क्वेश्चन आप जिंदगी में ना भूलें। अब देखो इस पॉइंट से अगर हम लेते हैं इसको ऐसे, तो यहां से ये सभी भुजाएं तो पहले तो बराबर है। अब ये है टू रूट थ्री, ये है टू रूट थ्री, ये है रूट थ्री और ये है थ्री रूट थ्री। ये सब क्या है, परपेंडिकुलर दिए हुए हैं। क्लियर। अब देखो सवाल आपके लिए बहुत हलवा हो गया, आसान सा सवाल हो गया। अब जैसे ही हमने कहा बताओ भैया ए का मान कितना होगा, तुमने कहा भैया टू बाई रूट थ्री और कुछ नहीं, आप इसको जोड़ दीजिए, तीन दो पाँच एक छः रूट थ्री, रूट थ्री रूट थ्री कैंसिल हो गया। तुमने कहा सर ए बराबर आएगा बारह, तुमने कहा सर ए बराबर कितना आएगा, बारह आएगा। फिर तुमने कहा सर एरिया बताओ, तो कहा सर इक्विलेटर का एरिया होता है, संभाव त्रिभुज का एरिया होता है रूट थ्री बाई फोर इंटू भुजा स्क्वायर। बोलोगे नहीं बोलोगे, क्योंकि हमने सब आपको बता दिया है, संभाव त्रिभुज बता दिया है, समद्विबाहु बता दिया है मतलब आइसोसेलेस बता दिया है, इक्विलेटरल बता दिया है और स्केलर, तीन ही त्रिभुज होते हैं और राइट एंगल होता है। और कौन सा नया नाम दे दोगे आप, कि कोई व्यक्ति नया नाम दे दिया, नया ट्रायंगल का नाम आविष्कार कर दिया, नहीं बेटा कुछ नहीं कर सकता कोई। ये चार ही को ट्रायंगल होते हैं, इन्हीं के बीच में थ्योरम घूमती रहती हैं। पहला तुम्हारा इक्विलेटरल हो गया, उसका एरिया कोई बदल देगा क्या, रूट थ्री बाई फोर इंटू भुजा स्क्वायर ही होता है, आज भी वही है, हड़प्पा कालीन भी वही था है ना, हड़प्पा सभ्यता में जो मैथ चलती होगी ना वहाँ भी देखा होगा, वहाँ के जो मोहनजोदड़ो में सब मिलती हैं आकृतियाँ मिलती हैं, वो भी सब त्रिभुजाकार चतुर्भुजाकार, वहाँ भी मेंस्ट्रुएशन ज्योमेट्री पहले चलती थी है ना। तो खैर चलो कोई बात नहीं है, अभी भी आप पढ़ सकते हो। तो रूट थ्री बाई फोर क्या है, भुजा स्क्वायर होता है। अब जो है मान रख दिया, तो रूट थ्री बाई फोर और भुजा कितना है, बारह इंटू बारह है ना, बारह इंटू बारह, तो चार से काटा तीन, तो आंसर आ गया छत्तीस रूट थ्री। कितना आ गया, छत्तीस रूट थ्री। तो छत्तीस रूट थ्री ये ए ऑप्शन हो जाएगा। तो आपके पेपर में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप लोग इसको कर लेना ठीक। और दूसरा एरिया का सीधा भी फॉर्मूला होता है, अगर हम लोग बात करें तो एरिया का सीधा भी फॉर्मूला होता है, त्रिभुज का एरिया बराबर रूट थ्री बाई थ्री, रूट थ्री बाई थ्री और सभी का सम ऑफ परपेंडिकुलर्स, सम ऑफ परपेंडिकुलर्स पूरा लिख लेना, सम ऑफ परपेंडिकुलर्स का स्क्वायर। तो सम ऑफ परपेंडिकुलर्स का स्क्वायर जब बेटा लोगे तो रूट थ्री बाई थ्री और तीनों का जोड़ोगे, तो तीन एक चार दो छः, छः रूट थ्री का स्क्वायर, तो छः का स्क्वायर छत्तीस, रूट थ्री का थ्री, थ्री थ्री कैंसिल, कितना आया छत्तीस रूट थ्री, तब भी आंसर आ जाएगा। मतलब आपको कुछ नहीं करना है, आपको ऐसे क्वेश्चन के लिए मात्र इतना ध्यान रखना है, अगर भुजा पूछता है बताओ उस ट्रेंगल की भुजा कितनी होगी, तो आप याद रखिए बोलो मेरे साथ टू बाई रूट थ्री और सम ऑफ परपेंडिकुलर्स। अगर आपसे वहां का एरिया पूछता है ट्रेंगल का तो क्या बोलोगे, थ्री बाई रूट थ्री सम ऑफ परपेंडिकुलर्स का स्क्वायर। पता है पेपर में कभी कभी यही फार्मूला ऑप्शन के रूप में लिखा होता है कि रूट थ्री बाई थ्री परपेंडिकुलर्स दे देता है ए बी सी, मतलब नंबर नहीं देता है ए बी सी। आप पेपर जब सॉल्व करोगे बहुत सारे तो आपको ऐसे क्वेश्चंस बहुत मिलेंगे, सम ऑफ परपेंडिकुलर्स का स्क्वायर है ना। तो आपको वो चीज़ समझनी है कि पेपर में आता क्या है, आपको वही पढ़ना है जो पेपर में आता है ना। यही ट्रिपल एम एजुकेशनल हब की खासियत है, यहाँ वही पढ़ाया जाता है जो आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है। इसीलिए देखा होगा इधर जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं, चाहे वो हाई कोर्ट का हो, चाहे वो तुम्हारा अभी जेल वार्डन का हो, चाहे दिल्ली पुलिस का हो, मतलब हर एग्जाम में मेरे यहाँ के बच्चे भयंकर सिलेक्शन ले रहे हैं, फटाफट अपनी सीट पर कब्जा कर रहे हैं ना। अभी यूपीएसआई में भी कब्जा करने वाले हैं, परेशान मत हो, जितनी भी कोचिंग्स में कोई क्या करता है करने दीजिए, मेरा जितना विद्यार्थी है वो अभी यूपीएसआई भी सेलेक्ट होगा है ना, भयंकर रिजल्ट देंगे हम इस बार ठीक। आप परेशान मत हो, बस मेरे साथ विश्वास बनाए रखें और जुड़े रखें मेरे साथ। चलिए बस घबराना नहीं है कि हम कम पढ़ रहे हैं, आपको भी मैं वही पढ़ा रहा हूं जो एग्जाम में आएगा। तो आप एक चीज बस दिमाग में रखते रहो कि अगर मुझे ट्रायंगल का एरिया पूछता है, परपेंडिकुलर दे दिया, तो क्या करेंगे,
थ्री बाई रूट थ्री, बस वहां रूट थ्री ऊपर ना कर देना, वरना हमारी बेइज्जती कराएंगे आप। क्या लिखोगे? थ्री बाई रूट थ्री सम ऑफ परपेंडिकुलर्स का स्क्वायर। क्लियर है? चलो अब देखो आपके सामने अगला क्वेश्चन आ गया वैसा ही, और मैं चाहता हूं आप सीधे सीधे इसको ओरली बताओ। त्रिभुज एबीसी में किसी बिंदु आर से तीनों भुजाओं पर डाले गए लंब 4, 3, 5 है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, और त्रिभुज कैसा है? समबाहु है। वहां लिख के आ जाएगा, ठीक, परेशान ना हो, समबाहु त्रिभुज वहां लिखा होगा। वैसे समबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी होती है, तो 3, 4, 5 है, तो 4, 3 और 5, 5, 3, 8, 4, 12, 12 का स्क्वायर 144 हुआ, और किससे गुणा करोगे? 3/√3 से। तो ऊपर नीचे क्या किया? रूट थ्री से ऊपर नीचे गुणा कर दिया है ना, तो 3 आया, 3, 3 कैंसिल, तो रूट थ्री से ऊपर नीचे क्या आएगा? 3/√3, सम गलत हो गया, 4 × 7, 7 × 12 गड़बड़ कर दिए। देखो फिर से एक बार, क्या बोला है? 3, 4, 5, तो क्या होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल? 3/√3 इंटू क्या होगा? 5, 4, 9, 3, 12 का कितना हुआ? 144 है ना। अब देखो 144 गुणे 3 बटा कितना है? √3। 144 गुणे 3 बटा कितना है? √3 है ना। तो यहाँ कितना आएगा? अगर हम यहाँ पे √3 से ऊपर नीचे गुणा कर दें तो ये 3 हो जाएगा, और 3, 3 से क्या हो जाएगा? ये कैंसिल, तो आंसर आएगा 144√3। ऑप्शन थोड़ा गड़बड़ है ना। चलो कोई बात नहीं, अगर देखो आप इसको, अगर आप देखो तो इसकी भुजा क्या निकल के आएगी? ए है, ए है, ए है, तो ए निकल के आएगी तुम्हारी 4, 3, 7, 5, 12 निकल के आएगी, और 12 जब होगा तो √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, 12 × 12 है ना, 4, 3, 12, 36√3, 36√3। तो इसमें देखो अभी हमने क्या बात किया था, अभी हमने बात किया था कि इसमें जो फॉर्मूला बनता है, देखो अगर हम a बराबर बात करते हैं तो 2/√3 सम ऑफ परपेंडिकुलर्स होता है, मतलब 4 + 3 + 5 है ना, ये क्या होता है? a बराबर होता है। अगर हम भुजा की बात करते हैं तो जब भुजा की बात a बराबर करोगे तो ये फॉर्मूला होता है, ठीक। तो जब a बराबर ये लिखोगे बेटा तो 2/, थोड़ा सा ऑप्शन गड़बड़ है, 12 हो जाएगा, तो मतलब a बराबर आएगा 24/√3। अगर हम ऊपर नीचे √3 से गुणा कर दें तो a बराबर आ जाएगा 8√3। a कितना आ जाएगा? 8√3। साइड क्या होता है? साइड होता है a बराबर 2/h, क्या होता है? एच होता है। तो सब कुछ बता दे रहे हैं, अगर हाइट की बात करेगा, अगर ये एच की बात करेगा तो हाइट जो होगा, हाइट होगा सम ऑफ परपेंडिकुलर्स पर P1 + P2 + P3, ये क्या होती है? हाइट होती है। हाइट अभी क्या बताए थे कि √3/4 2 इंटू साइड होती है, तो इसीलिए इनको जोड़ोगे 4 × 7, 5 कितना? 12 है ना, तो ए बराबर कितना हो गया? 24/√3 हुआ, नहीं हुआ। इसीलिए चीजों को समझो कि ये अगर कभी नहीं ऑप्शन मिल रहा है, पेपर में हो सकता है क्वेश्चन गलत हो जाए, तो भी तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी है। तो a बराबर आ गया, नहीं आ गया, तो ये तुम्हारा आ गया √3 से गुणा करोगे ऊपर नीचे तो तुम्हारा 8√3 आ जाएगा। और जब एरिया की बात करोगे, तो कितनी एरिया होगी? अब देखो समझो मेरी बात, इसमें जब तुम एक भुजा की बात करोगे तो 2/√3 और तीनों भुजाएं जोड़ो 4, 4 × 7, 5, 12, तो ए कितना हो जाएगा? 8√3 हो जाएगा। क्लियर? और फिर जब एरिया निकालोगे √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, 8 × 8 × कितना हो जाएगा? 3, 4 से 2 आया, 8 × 2 = 16, और 16 × 3 कितना? 48, कितना आया? 48√3, 36 नहीं होगा, वो गलत था, 48√3। अब क्या है फॉर्मूला, क्या बताया गया था? अभी देखो ए बराबर कितना है? ए बराबर था 2/√3 इंटू P1 + P2, ये परपेंडिकुलर हैं है ना। अब देखो जब एरिया की बात करेंगे तो √3/4 भुजा स्क्वायर होता है, तो इसका हम स्क्वायर कर देंगे तो आ जाएगा 4/3, कितना आ जाएगा? 4/3, और ये P1, P2 और +P3
का क्या हो जाएगा स्क्वायर, चार चार कैंसिल, तो फॉर्मूला क्या बना, रूट थ्री बाई थ्री, रूट थ्री बाई थ्री, ध्यान रखना इस चीज को, थ्री बाई रूट थ्री और रूट थ्री बाई थ्री में कंफ्यूज नहीं होना है, क्या फॉर्मूला बनेगा रूट थ्री बाई थ्री, तो क्या बना देखो सीधा निकाल नहीं रिया, सीधा बनेगा थ्री रूट थ्री बाई थ्री और इंटू किसका स्क्वायर, 12 का 144, काट दो तीन से कितना आया, सीधे सीधे आ गया 48 रूट थ्री, कितना आ गया 48 रूट थ्री। अब देखो पीछे जो मैंने बताया था यहाँ पे एरिया जो बताया था वो ध्यान से देखो, पिछला वाला सवाल जो था उसमें क्या था, रूट थ्री बाई थ्री है, रूट थ्री बाई थ्री, तो फॉर्मूला क्या होता है रूट थ्री बाई थ्री सम ऑफ परपेंडिकुलर्स का स्क्वायर, थ्री बाई रूट थ्री मत कर देना ठीक, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ पेपर में क्या करना है रूट थ्री बाई थ्री, ध्यान रखना पेपर में आना है सवाल ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, समझो आपका पेपर लीक हो रहा है। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है त्रिभुज एबीसी में बीसी को डी तक बढ़ाया गया है। देखो त्रिभुज एबीसी में ये जो एबीसी है इसमें कह रहा है कि इसमें बीसी को डी तक बढ़ाया गया है, ये डी तक बढ़ा दिया गया है ना, बीसी को डी तक बढ़ाया गया है, और फिर कह रहा है कि एसीडी जो है 108 डिग्री है, या डिग्री लगा देना, एसीडी जो है 108 है, ये कितना है 108 डिग्री है, एंगल बी जो है ये एंगल जो है इस एंगल का क्या है, एंगल ए का आधा है, मतलब ये अगर 2x है बेटा तो ये कितना होगा x होगा। तो आपको रूल क्या सीखना है, तुम्हें रूल क्या सीखना है इसमें, आपको रूल ये सीखना है, रूल क्या होता है कि कोई भी त्रिभुज में, कोई भी त्रिभुज में अगर हम बाहरी कोण की बात करते हैं, बाहरी कोण की बात करते हैं तो आंतरिक कोणों के योगफल के बराबर होता है। अगर ये x है और ये y है और ये z है तो जान लो कि x प्लस वाई बराबर होता है z के, x प्लस वाई बराबर होता है किसके, z के ठीक। अब जिस बच्चों को ये पता चल गया कि ये दोनों का जोड़ इसके बराबर होता है तो उसके लिए कुछ नहीं है, दो एक तीन एक्स बराबर 108 डिग्री, तो x बराबर आ जाएगा, तीन से काट देंगे, तीन तीन नौ 36 डिग्री। लेकिन हमसे क्या पूछा है, जल्दबाजी मत करना 36 पे निशान लगा दे, नहीं हमसे पूछा है एंगल ए, एंगल ए मतलब 2x पूछा है, तो जब 2x की पूछा है तो ये तुम्हारा आ जाएगा 36 दुनी 72 डिग्री, कितना आ जाएगा 72 डिग्री। अब तुम्हें एक सवाल बढ़िया कराते हैं इसी पर, एक बहुत अच्छा सवाल कराते हैं, क्वेश्चन लिख लो त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में साथ ही साथ कॉपी लेके बैठा करो, क्योंकि हो सकता है कोई क्वेश्चन हम अपनी तरफ से बोल दें, जब कोई बहुत आसान सवाल होगा तो थोड़ा सा अच्छा सवाल भी हम बोलेंगे। त्रिभुज एबीसी में एंगल बी का बाइसेक्ट किया जाता है जो एसी को डी पर काटती है, पूरा सवाल लिखना ध्यान से, त्रिभुज एबीसी में एंगल बी का बाइसेक्ट किया जाता है जो एसी को डी पर काटती है, कहां काटती है डी पर काटती है, बीडी पर एक बिंदु ई इस प्रकार है, बीडी पर एक बिंदु ई इस प्रकार है कि जो एई है, जो एई है वो बराबर एडी है, एई बराबर कितना है एडी है, और एंगल बी का बाइसेक्ट हुआ है, लिख दे रहे हैं एंगल बी का क्या हुआ है बाइसेक्ट हुआ है, विभाजन हुआ है, बाइसेक्ट हुआ है, और जो एंगल सी है, एंगल सी बराबर दिया है मान लो 29 डिग्री, कितना दिया है 29 डिग्री, वो आपको बताना है एंगल, आपको बताना है एंगल ए, आपको बताना है एंगल, एंगल बी ए ई का मान क्या होगा, बी ए ई का मान क्या होगा, बहुत अच्छा सवाल है ये। अब देखो इस क्वेश्चन में वही इस्तेमाल हो रहा था जो मैंने अभी आपको थ्योरम समझाई, लेकिन क्वेश्चन स्टैंडर्ड है। देखो सर अब ये b बाई टू है, मान लो ये x है तो ये भी कितना हुआ x है, और ये 29 है, है ना, तो ये वाला जो एंगल हुआ, ये वाला बी डी सी का बाहरी एंगल है, हाँ है ना, बी डी सी का बाहरी एंगल है, मतलब ये जो एंगल हुआ वो 29 प्लस x हुआ, हाँ है ना, और चूंकि जब कोई भुजाएं बराबर होती हैं, अगर कोई भुजाएं बराबर होती हैं,
अगर ये तुम्हारा ए है, ये तुम्हारा ई है, ये तुम्हारा डी है, तो ये अगर 29 प्लस एक्स है, 29 प्लस एक्स है, तो ये वाला भी 29 प्लस एक्स ही होगा। कितना होगा? 29 प्लस एक्स, मतलब ये वाला भी 29 प्लस एक्स होगा। ये कितना होगा? ये भी 29 प्लस एक्स ही होगा। क्लियर? अब देखो ये वाले त्रिभुज में ए बी ई में, किसमें? ए बी ई में ये बाहरी कोण होगा, तो यहां पर ये एक्स है, ये कितना है? ये एक्स है, और ये 29 प्लस एक्स है, तो ये कितना हुआ? 29 हुआ। इसलिए ये एंगल भी कितना होगा? 29 डिग्री होगा। और ध्यान रखना कि एंगल ए सी बी ऐसी कंडीशन में बराबर होता है एंगल बी ए ई के, बी ए ई के। इसको ध्यान रखना और कॉपी पे नोट कर लेना, और देखना जितनी बुक्स हैं मार्केट की ज्योमेट्री की, उसमें सब में ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक, आज के बाद ऐसा क्वेश्चन आपसे फंसेगा नहीं। क्लियर है? चलो हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब जो क्वेश्चन है, एक अधिक कोणीय त्रिभुज में, देखो पिछली क्लास में मैंने आपको समझाया था कि तीन कोण होते हैं, एक न्यून कोण होता है, मैंने आपको बताया भी था एक न्यून कोण होता है, थोड़ा थ्योरी समझ लो, एक न्यून कोण होता है, एक सम कोण होता है, राइट एंगल होता है, और एक अधिक कोण होता है, इसको ऑब्ट्यूस बोलते हैं। हमने बताया था न्यून कोण जो होता है उसमें प्रत्येक कोण 90 से कम होता है, 90 से कम होता है। अगर ये न्यून कोण है तो इसमें बताया था मैंने, ये भुजा ए है, ये बी है, और ये अगर सी है, तो मैं बताया था ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ऑलवेज बड़ा होगा बी स्क्वायर से, ये इसकी पहचान होती है। अगर समकोण है तो मैंने कहा था इसमें अगर ए बी सी समकोण है, सवाल से हटके थोड़ा समझा रहे हैं, ध्यान से समझना, ये ए है, ये बी है, सी है, तो इसमें होता है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर, इसमें बराबर होता है। अगर ऑब्ट्यूस की बात करता है तो इसमें ये 90 से ज़्यादा एंगल हो जाता है, अगर ये ए बी सी है भैया, तो ये बी है, अगर ये ए है और ये सी है, तो इसमें हो जाता है, इसमें जो कंडीशन होती है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बड़ा होता है किससे? बी स्क्वायर से। ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या होता है? छोटा होता है किससे? बी स्क्वायर। इसमें ये भुजा बड़ी होती है, सॉरी, ये ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर छोटा होता है किससे? इसमें बी स्क्वायर कम होता है, इसमें बी स्क्वायर बराबर होता है, इसमें बी स्क्वायर बड़ा होता है, मतलब ये भुजा बड़ी होती है। क्लियर है? तीन कंडीशंस होती हैं, तीनों को ध्यान रखना, एक्यूट हो गया, राइट हो गया और ऑब्ट्यूस हो गया। ये सब बच्चों, उन बच्चों के लिए है जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं और ज्योमेट्री सीखना चाहते हैं, ये उन बच्चों के लिए नहीं है जो पहले से ज्योमेट्री पढ़ रखे हैं, है ना। इसलिए कभी ऐसा कोई मुद्दा मत बनाइए कि सर बहुत आसान पढ़ा रहे हैं, नहीं, हम उनके लिए पढ़ा रहे हैं जो पहली बार पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक, ज्योमेट्री पहली बार पढ़ रहे हैं। चलो उनका डर खत्म कर रहे हैं, जो लोग ज्योमेट्री से डरते हैं उनका डर खत्म करेंगे, फिर अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराएंगे। चलो देखो बात करते हैं, अब यहां सवाल में आ जाओ। एक अधिक कोणीय त्रिभुज में, मैंने ले लिया अधिक कोणीय त्रिभुज, और एंगल ए अधिक कोणीय है, ये है अधिक कोणीय, ठीक, और बी हो गया और सी हो गया, इसमें एक नाम लिया है लंब केंद्र। क्या नाम लिया है? लंब केंद्र। इसका मतलब मुझे इसके आगे कुछ समझाना पड़ेगा। चलो तो बेसिक में समझना शुरू करो। एक तो हम जानते हैं अंतः केंद्र होता है, एक क्या नाम सुना है? एक होता है अंतः केंद्र, इसको बोलते हैं इन सेंटर। क्या बोलते हैं? इन सेंटर। एक होता है परिकेंद्र, एक क्या होता है? इनको सबको हम पढ़ाएंगे, आप परेशान मत होइए, आज बस हल्का सा सर्कम सेंटर। तीसरा होता है लंब केंद्र। बस तीनों में अंतर बताऊंगा, बाकी इनके बारे में समझाऊंगा बाद में। ये होता है आर्थो सेंटर, और चौथा होता है सेंट्रोइड, केंद्रिका, इसको बोलते हैं सेंट्रोइड। क्या बोलते हैं इसे? इसे बोलते हैं सेंट्रोइड। ये चार नाम होते हैं, एक अंतः केंद्र, एक लंब के परिकेंद्र, एक लंब केंद्र और एक केंद्र। अब चार के बाद पांचवा नहीं बना पाओगे आप, क्योंकि ज्योमेट्री कोई बनाता थोड़ो है, ज्योमेट्री सब पढ़ाते हैं, जितने मैथ्स ऑल इंडिया पढ़ा रहे हैं वो ज्योमेट्री बना थोड़ो रहे हैं, वो ज्योमेट्री पढ़ा रहे हैं और हम भी ज्योमेट्री पढ़ा रहे हैं,
तो जो हमारे मैथमेटिशियन ने ज्योमेट्री की थ्योरम सेट कर रखी है, बस उन्हीं लोग उन्हीं थ्योरम्स को हम लोग क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। अब देखो एक्सप्लेन कर रहे हैं, इन सेंटर जो बेटा होता है वो एंगल का बाइसेक्टर से बनता है। बोलो, एंगल के बाइसेक्टर से बनता है, ठीक, उसे इन सेंटर बोलते हैं। परकेंद्र होता है जब हम साइड का बाइसेक्ट करते हैं तो उसे हम परकेंद्र सर्कम सेंटर बोलते हैं। इसमें साइड का बाइसेक्ट होता है, किसका होता है, साइड का बाइसेक्ट। बहुत अच्छा नहीं बना, क्या होता है, साइड का बाइसेक्ट होता है। इसमें जो है बिल्कुल मिड आता है, साइड का बाइसेक्ट होता है, उसको क्या बोलते हैं, सर्कम सेंटर। इनके सब ये बराबर होते हैं, ये सब क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इसको सर्कम सेंटर। इसकी थ्योरम हम एक एक पॉइंट को हम आपको अच्छे से कल पढ़ा देंगे, चारों पॉइंट आपको कल की क्लास में, ये चारों पॉइंट आपको डिस्कस होंगे अच्छे से, क्लियर है। चलो, लंब केंद्र क्या होता है, लंब केंद्र होता है आपको ये तीसरा समझना, जो शीर्ष होते हैं, जो क्या होते हैं बेटा, शीर्ष होते हैं, तीनों शीर्षों से जो हम लंब डालते हैं, तीनों शीर्षों से जो हम लंब डालते हैं वो जिस पॉइंट पर काटते हैं उसे हम आर्थो सेंटर कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं, आर्थो सेंटर। और बात रही केंद्रिका क्या होती है, तो केंद्रिका होती है किसी भी त्रिभुज में, किसी भी त्रिभुज में जो ये माध्यिकाएं होती हैं, जो ये बराबर बाइसेक्ट कर देती हैं सामने वाली भुजा को, ये जहां काटती हैं, ये जहां काटती हैं उसको हम बोलते हैं सेंट्रोइड। तो पहले तो आज ये जान लो कि चारों में डिफरेंस क्या होता है। तो पहला डिफरेंस ये आया आपके सामने कि इन सेंटर जो अंतः केंद्र होता है वो त्रिभुज के कोणों का विभाजन होता है, और जो परिकेंद्र होता है उसमें त्रिभुज की भुजाओं का विभाजन होता है, और जो लंब केंद्र होता है उसमें शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाले गए परपेंडिकुलर जिस पॉइंट पर काटते हैं उसे हम आर्थो सेंटर कहते हैं, और जो केंद्रक होता है, केंद्रक हम उसे कहते हैं कि जो मीडियंस होती है, मीडियन मतलब माध्यिका, माध्यिका क्या होती है, सामने वाली भुजा को जो विभाजित कर दे शीर्ष से, मतलब वर्टेक्स से सामने वाली भुजा को, अगर दो भागों में कोई लाइन बांटती है तो उस लाइन को हम बोलते हैं मीडियन या माध्यिका, क्लियर है। तो ये इन सेंटर होता है, ये हो गया, ये सर्कम सेंटर, ये आर्थो सेंटर, ये सेंट्रोइड। अब देखो इसमें कुछ और चीजें भी क्या सीखनी है आपको, पहला सीखो कि अगर हम आर्थो सेंटर की बात करेंगे, अगर हम लंब केंद्र की बात करेंगे, तो ध्यान रखना कि लंब केंद्र अगर त्रिभुज न्यूनकोणीय है, अगर त्रिभुज न्यूनकोणीय है तो त्रिभुज के भीतर होता है, अभी बना के दिखाया था। अगर समकोणीय है तो जहां 90 डिग्री बनता है यहां होता है, ये होता है। अगर मान लो ए बी सी है और बी 90 डिग्री यहां है, राइट एंगल है, तो आर्थो सेंटर कहां होगा, इस पॉइंट पर होगा। इसमें कहां होगा, जहां पर ये लंब काटेंगे, जहां पर ये लंब काटेंगे वो ये होगा अर्थ, मतलब त्रिभुज के भीतर होता है, क्लियर। और अगर अधिक कोणीय है, कैसा है, अधिक कोणीय है तो त्रिभुज के बाहर होता है, ये कहाँ होता है, अगर लंब कोणीय है, अधिक कोणीय है, अधिक कोणीय में अगर आर्थो सेंटर बोलोगे तो जो अधिक कोणीय होता है उसके पीछे बनता है, क्या बनता है, उसके पीछे। अगर मान लो ये बात बनता है डायग्राम, अगर ये थीटा है और ये, तो ये होता है 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा क्यों होता है, देखो जैसे मान लो छोटा सा त्रिभुज लेते हैं, जैसे मान लो त्रिभुज एबीसी है, त्रिभुज एबीसी है और हम बात करें ये लंब है, ये लंब है और ये लंब है, है ना, ये सब 90 डिग्री हैं, ये सब क्या है, ये सब 90 डिग्री हैं, ये भी 90 डिग्री है। अगर ऐसा है तो ये बताओ, ये 90, ये 90, ये 90, ये 90, तो ये बताओ अगर ये थीटा है तो ये कितना हुआ, 180 माइनस थीटा हुआ, और ये कितना हुआ, आपस में बराबर होंगे, शीर्षाभिमुख कोण बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं, शीर्षाभिमुख कोण बन रहे हैं, तो कितना होगा 180, तो ये क्या बना 180 माइनस थीटा, मतलब शीर्ष का थीटा है तो क्या बनेगा 180 माइनस थीटा बनेगा, क्लियर है। इसका मतलब अब जो सवाल था, इसका मतलब अब जो सवाल था लग गया, क्यों, क्योंकि ये इसका आर्थो सेंटर बोल रहा है, और ये जब इसका आर्थो सेंटर है और ये अगर थीटा कितना दिया है, बी ओ सी, ये ओ है, ये अगर 62 डिग्री दिया है तो ये वाला एंगल जो होता है वो 180 में से मात्र घटाना होता है, तो क्या आप घटा लोगे,
अब तो कुछ नहीं बचा ना, आर्थो सेंटर पे जो एंगल बनता है और जो शीर्ष पर एंगल बनता है मतलब वर्टेक्स पे एंगल बनता है उसका सम 180 डिग्री होता है। दिमाग में बैठा लो आप, कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो बस 180 में से 62 माइनस कर दो, उतना ही काम करना है। तो 108 इसमें 18, 118 आंसर हो जाएगा, खत्म। कितना हो जाएगा 118। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन की बात करें अगर हम लोग, देखो ये भी वैसे ही सवाल है। एक त्रिभुज में ये अधिक कोणीय त्रिभुज है, ये ए अधिक कोणीय है और ये बी है, ये क्या है सी है, और ये बी ओ सी कितना है, तो वो आर्थो सेंटर है। ये जब हम पॉइंट सब पढ़ाएंगे आपको तो आपको समझा देंगे कि ये कैसे लंब केंद्र कैसे होता है, ठीक, क्यों बाहर बनता है, मैं पूरी जानकारी आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तो बी ओ सी ये 54 डिग्री, तो जल्दी बता दो ये कितना हुआ, जल्दी बता दो, 180 माइनस 54 मतलब आखिर में 6 आना चाहिए, तो दोनों में आंसर है, जल्दबाजी मत करना, 10 में 4 गया 6, यहाँ बचा तुम्हारा 17 में 5 गया 12, 126, जल्दबाजी मत करना, ठीक, 126 डिग्री, क्लियर है, आप सभी को समझ में आया होगा। अब देखो, अब जो क्वेश्चन है ये तुम्हारा दो विभाजन का आ गया धीरे धीरे, इसलिए कल की क्लास आपको विभाजन पर ही चलेगी। देखो अगर ये ए बी सी है, एंगल बी इसका विभाजन किया है और एंगल सी का विभाजन किया है ना, ओ पर मिलते हैं, देखो आ गया तुम्हारा इन सेंटर, ये क्या हो गया, ये तुम्हारा ओ हो गया, इसी को इन सेंटर बोलते हैं भैया। ये कौन सा सेंटर है जल्दी बताओ, ये अंतः केंद्र हो गया, इन सेंटर हो गया। अगर एंगल का बाइसेक्ट हुआ है तो क्या बनेगा, इन सेंटर बनेगा, दिमाग में रखना। अब देखो ये एंगल हमको चाहिए, तो ये बताओ ये अगर 112 है तो जल्दी से समझो कि ये अगर थीटा है तो इन सेंटर में जो नंबर बनता है वो 90 प्लस ए बाई टू होता है, याद कर लो, इसको प्रूफ करा देंगे अगली क्लास में मतलब कल की क्लास में। तो बी ओ सी बराबर क्या होता है, ये तुम्हारा 112 दिया है ना, ये क्या दिया है 112 दिया हुआ है, तो इसको बराबर 112 कर लो, तो ए बाई टू कितना हुआ, 90 और 10 22 हो गया, तो ए कितना हो गया 44 डिग्री हो गया, तो ये हो गया 44, ठीक। तो चलो हम लोग बात करेंगे अगली क्लास, कल बात करेंगे और कल आपको हम ये चारों पॉइंट आपको बहुत अच्छे से सिखाएंगे, ठीक। आज के क्वेश्चंस आपको जैसे भी लगे हों आप इसको शेयर कर देना, लाइक कर देना, है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको अभी प्रमोट करने की बहुत आवश्यकता है, अभी अपना चैनल बहुत ज़्यादा प्रमोशन में नहीं है, अभी शुरुआत है ना, तो अगर आप लोग चाहेंगे तो अपना चैनल बहुत नंबर वन भी हो सकता है ना, हम कहीं भी पीछे नहीं हटेंगे, आपको बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे, अपना चैनल नंबर वन भी हो सकता है अगर आप चाहें। धन्यवाद।